सामी, तुम्हें लगता है ये काम करेगा? बस फोटो लो सिम। ठीक है, अब मुझे देखने दो। ओह अच्छी है, इसे अपलोड कर दो। मुझे नहीं पता, पर तुम्हें सच में लगता है कि ये सब मान लेंगे कि तुम ट्रैवल कर रहे हो? इसी समुद्र के पास जाकर भी फोटो लेनी चाहिए, जैसे मैं सनसेट देते हुए कुछ सोच रहा हूँ। पर सैमी, हम अभी समुद्र के पास नहीं जा सकते। हमारे पास टनल का बहुत सारा काम है और मेरी पढ़ाई भी है। मैं जानता हूँ, तुम तो याद मत दिलाओ सिउ, पर मुझे ये फोटो कैसे भी चाहिए। उदास मत हो, मुझे लगता है हम कुछ कर सकते हैं। चलो ठीक है। हाँ दोस्तों, आज हम एक्रेलिक पेंट इस्तेमाल करके बिल्कुल असली बीच पर दिखने वाले सनसेट की पिक्चर बनाएंगे। अपनी पेंट ब्रश को काम के लिए तैयार करें। तो हम पेंट करेंगे हाँ? पर मुझे इस हिसाब से तैयार होने दो। अब ठीक है, आज और रात प्रोजेक्ट में डीएसटी महान मास्टर सेमियो अपना काम करने के लिए तैयार है। हम कहाँ से शुरू करें? हम कुछ कलर्स मिक्स करने वाले हैं। समझदार महाशय। समझ गया। व्हाइट पेंट बेस होगा, ऐसे दो और तीन। अब हम थोड़ा येलो मिलाते हैं, इसके बिना कोई बीच या सनसेट नहीं बन सकता, है ना? बूप बूप, ये हो गया, इससे काम बन जाएगा। सनसेट के लिए ऑरेंज भी अच्छा है और ब्लू भी, तुम जानती हो बादलों के लिए। मैं तुमसे सहमत हूँ। ये जाएगा यहाँ पर और यहाँ, और हम ब्लू वाला यहाँ डालेंगे इस मस्टर्ड जैसे कलर के साथ। बढ़िया। वाह सूजी, ये पेंट के ड्रॉप्स तो कैंडीज की तरह लग रहे हैं। अब ये वाले नहीं लग रहे। सामी, तुम कितने मजाकिया हो। दोस्तों, हम एक खास पेंटिंग नाइफ की मदद से इन कलर्स को मिक्स करेंगे। ऐसे ये पेंटर स्टोर पर मिल जाएगा, तो आप अपने पेरेंट्स से मंगवा सकते हैं। तो हमें ये मिला। दोस्तों, जरा इन कमाल के कलर्स को तो देखो, मुझे ये पसंद आए। अब मैं अपने पेंट ब्रश ले आती हूँ और देखते हैं इन कमाल के कलर्स से हम कैसी पिक्चर बना सकते हैं। ला 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 ला। सैमी, तुम क्या कर रहे हो? अब मैं कैनवस तैयार कर रहा हूँ। बेशक किसी भी अच्छे आर्टिस्ट को ये करना आता है। तुम इस क्राफ्ट को काफी सीरियस ले रहे हो। हाँ, पर क्या तुम मेरी तरह एक खरीद नहीं सकते? दोस्तों, एक्रेलिक्स के साथ पेंटिंग करने के लिए कैनवस सबसे अच्छा ऑप्शन है, पर आप लकड़ी या मोटे पेपर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। फिलहाल तो मुझे बस ये पेंटिंग वाला समुद्र ही मिल सकता है, और इसलिए ये सबसे बेस्ट होना ही चाहिए। चिंता मत करो, ये जरूर होगा। हमें पहले बहुत चौड़ा पेंट ब्रश लेना होगा। चलो इसे थोड़ा निचोड़ लें ताकि इसमें से एक्स्ट्रा पानी निकल जाए। एक्रेलिक्स जल्दी सूखते हैं, तो हमें जल्दी जल्दी काम करना होगा। मैं जानती हूँ सामी, और मैं बहुत तेज काम कर सकती हूँ। ये देखो, और अब हम थोड़ा रुक सकते हैं। तुम क्या कहते हो सामी? अच्छा ग्रेडिएंट है, एक सोचा समझा बेहतरीन कलर पैलेट बुरा नहीं है। और ये तो बस शुरुआत है, और ये आया सूरज हो, और अब कुछ खूबसूरत बादल बनाते हैं। सामी, क्या बात है? तुम्हें कैसे नहीं पता कि एक असली पेंटर कलर बदलने से पहले ब्रश साफ करने के लिए कपड़ा इस्तेमाल करता है? ये मेरे दिमाग से निकल गया होगा, शुक्रिया। मैं इतना नर्वस कभी नहीं हुआ जब से मैंने किबिडावा के राजा की बकरी का पोर्ट्रेट बनाया है। सच में? और वो कैसा बना था? वो जानवर लगातार मेरे ब्रश पोछने वाले कपड़े को चबाए जा रहा था, इसलिए मुझे अपने पेंट ब्रशेस अपने कपड़ों से पोछने पड़े। तुम्हें उसके बजाय पेपर टॉवल नहीं इस्तेमाल करना चाहिए था? वैसे ये बहुत समझदारी वाली बात है। दोस्तों, अगर कोई जानवर आपका कपड़ा खराब कर दे तो आपको पता ही क्या करना है, उसे पेपर टॉवल से बदल दे। सामी, सूजी, जादू देखना चाहोगी? खैर जरूर। ओह, पानी तो पेंट से बहुत गंदा हो गया। इसे दुनिया के सबसे महान स्लाइम जादूगर पर छोड़ दो। बिबिडी बबिडी सब्सक्राइबिडी। ओह
वाह सामी, तुमने तो कमाल कर दिया। मैं सोच रही हूँ तुम ये जादूगर को साफ रखने में इस्तेमाल क्यों नहीं करते। एक सेकंड रुको, ये पहाड़ कहाँ से आया? असल में मेरी मैजिक ट्रिक से तुम्हें पसंद आई। हाँ बिल्कुल, और तुम्हारा शुक्रिया। अब हम आखिरकार समुद्र बनाना शुरू कर सकते हैं। रुको, तुम क्या कर रही हो? तुमने कहा था तुम्हें पसंद आया। मास्किंग टेप हमें होराइजन बनाने में मदद करेगी। ये हमारे काम आएगी क्योंकि ये कैनवस से पेंट्स नहीं उतारेगी। अब हम ब्लूइश कलर्स मिलाएंगे। शानदार। और ये आया येलो फिर से। ये एक परफेक्ट रेतीला बीच होगा। ओह, मैं नेचर की सुंदरता से हैरान होने से खुद को रोक नहीं पाऊंगी। ऐसा लग रहा है हर कलर पहले से सोचा समझा हुआ था। नेचर को कलर स्पेक्ट्रम की कोई जरूरत नहीं है। हा? तुम्हें पता है इसे कैसे इस्तेमाल करते हैं सामी? मेरा मतलब तुम कैसे मिलते जुलते कलर्स का परफेक्ट कॉम्बिनेशन चुनते हो? क्या आसान है, तुम्हें स्पेक्ट्रम के ऐसे कलर चुनने चाहिए जो या तो एक दूसरे से ऑपोजिट हो, या वो ट्रायंगल बनाए, या वो एक रेक्टेंगल बनाए। देखा? वाह, ये तो कमाल का था। आप भी ऐसा मानते हैं दोस्तों, तो हमारे सामी को बहुत सारे लाइक्स दो। और इसी दौरान हमारा बैकग्राउंड का काम पूरा हुआ। जरा देखो ये कितना अच्छा बना है। चलो अब मास्किंग टेप को यहाँ से निकालते हैं, ध्यान से इस तरह। और अब हम डिटेल्स पर काम करना शुरू कर सकते हैं। साथ में बने रहिए। सूजी, क्या तुम जानती हो जो हमारी तरह पिक्चर बनाते हैं उन्हें मरीन आर्टिस्ट कहा जाता है? ओह हाँ, और असल में मुझे उनमें से एक मशहूर आर्टिस्ट का काम बहुत पसंद है, क्लॉड मोनेट। तुम्हें उनके बारे में जानना चाहिए। उनकी वाटर लिलीज के ऊपर पेंटिंग्स की एक कमाल की सीरीज है। क्या उन्हें भी मरीन पेंटिंग्स माना जाता है? मेरा मतलब उनमें मुश्किल से समुद्र होता है। तुम सही हो, मोनेट की वाटर लिली सीस्केप ज्यादा होती थी, और मरीन आर्ट में ज्यादातर शिप्स, बीच के नज़ारे और समुद्र वगैरह होते हैं। मैंने शिप बनाने का सोचा तो नहीं था, पर तुमने मुझे एक अच्छा आइडिया दिया। चलो बीच पर एक खूबसूरत लहर बनाते हैं। चलो शुरू करें। कोई बात नहीं साम, ऐसा कोई महान पेंटर नहीं है जिसने पेंट से अपने हाथ गंदे ना किए हो, है ना? तुम एक असली फिलोसोफर हो। मैं भी थोड़ा ब्रश चलाना चाहता हूँ। मैं तुम्हें दिखाता हूँ ये कैसे करते हैं सूजी। इस तरह, बस थोड़ा और यहाँ वैसे। तुम जानती हो जब कोई देख रहा हो तो मैं आर्ट नहीं बना सकता। ठीक है। अब ठीक है। मेरा हो गया सूजी। चलो देखते हैं। वाह, ये कमाल का है सामी, और तुमने बहुत जल्दी भी कर दिया। क्या आपको भी ये लगता है दोस्तों, ये बहुत सारे लाइक्स के काबिल है? मुझे बस कुछ डिटेल्स पर काम करना है और पिक्चर तैयार हो जाएगी। आओ, तो मुझे बीच वेकेशन के हिसाब से कपड़े बदल लेने चाहिए। मैं अपनी फोटोज लूंगा। ये स्लाइम कितना एक्साइटेड है ना? मैं बिल्कुल तैयार हूँ। हम्म,
इतनी भी बुरी नहीं लग रही। तुम इनमें से कौन सी पोस्ट करना चाहोगे? क्यों ना हम इसकी कुछ पिक्चर्स लें और एक पोस्ट डालें कि हमने इसे कैसे बनाया। मुझे ये आइडिया पसंद आया। और आप दोस्तों, क्या आपको हमारी पेंटिंग पसंद आई? इन सब कलर्स और टेक्सचर के साथ ये असली लग रही है ना? अगर आपको पेंटिंग उतनी ही पसंद आई जितनी कि हमें आई, और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। बेल बटन को दबाएं।